की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसा शानदार हाउस प्लान जिसका प्लॉट साइज है 20 फीट इंटू 7 फीट और इसका प्लॉट एरिया है 1200 स्क्वायर फीट दोस्तों। ठीक है, यह बहुत अच्छा हाउस प्लान है दोस्तों। काफ़ी अच्छा इस प्लान को डिजाइन किया गया है। यह प्लान कैसे बना है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना बेडरूम है, कितना किचन है, कितना हॉल है और उसके साथ साथ और क्या है, उसको देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम पंकज कुमार है दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर हाउस प्लान 20 फीट इंटू 60 फीट का है। ठीक है, इसको 20 फीट इंटू 60 फीट के प्लॉट एरिया में इस प्लान को डिजाइन किया गया है और इसका प्लॉट जो एरिया है वो है 1200 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 20 फीट ये लंबाई है और आप इधर देख सकते हैं दोस्तों 60 फीट इसका चौड़ाई है। ओके, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आप लोगों को यह प्लान पूरा समझ आएगा दोस्तों कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये मेन गेट है। मेन गेट से अपन पोर्च में इंटर करेंगे। पोर्च का साइज है 9 फीट 5 इंच इंटू 15 फीट 8 इंच। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों। इसमें बाइक और फोर व्हीलर कार आराम से आ जाएगा। ठीक है, इस पोर्च में। ओके, और आप देख सकते हैं इधर राइट साइड में ओपन एरिया छोड़ा गया है दोस्तों 8 फीट 9 इंच इंटू 4 फीट का। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर आप छोटा मोटा गार्डनिंग वगैरह पेड़ पौधा लगा सकते हैं दोस्तों, ताकि मस्त आपका मकान हरा भरा और ऑक्सीजन से पूरा घिरा रहे। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट लगाइए यहाँ पर, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्टेयर प्रोवाइड किया गया है ताकि यहाँ से आप बालकनी में या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर या छत तक आराम से जा सकते हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद अपन पोर्च से इंटर करेंगे ड्राइंग रूम में। ओके, ड्राइंग रूम में अपन पहुँचेंगे। इसका साइज है दोस्तों, देख सकते हैं आप, 9 फीट 5 इंच इंटू 14 फीट। ओके, देखिए आप कितना अच्छा साइज है ये भी। ठीक है, हाल के बराबर है, मतलब ये ड्राइंग हॉल है कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इस ड्राइंग हॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड किया गया है ताकि यहाँ से आप पोर्च को आराम से देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से भी साथ ही साथ यहाँ से इस ड्राइंग रूम में प्रकाश और एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा दोस्तों। ठीक है, फुल वेंटिलेटेड रहेगा ये रूम। उसके बाद अपन इस ड्राइंग रूम से अपन हॉल में इंटर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस हॉल का साइज है 9 फीट 2 इंच इंटू 18 फीट। ओके, यह भी काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों ये हॉल का। ठीक है, मतलब देख सकते हैं आप कितना अच्छा, मतलब यहाँ पर आप सोफ़ा वगैरह, यानी मतलब यहाँ पर भी आप सोफ़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर टीवी यूनिट लगा सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, डाइनिंग टेबल रखने का भी यहाँ पर आपका काम आ सकता है ये जगह। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, इस जो हाल से लगा हुआ एक कॉमन टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर। इसका साइज है 7 फीट इंटू 5 फीट। ठीक है, यह भी काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए एक ओटीएस छोड़ा गया है ताकि इसमें जो बनने वाली गैसेस है कॉमन टॉयलेट में। ठीक है, और इधर एक रूम में अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, उसका भी जो वेंटिलेशन हो इसमें इस ओटीएस में प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर आप वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, ताकि यहाँ जो बनने वाली गैसेस हैं आसानी से वहाँ से रिमूव हो सके और दिन में प्रकाश हमेशा इस अटैच टॉयलेट और कॉमन टॉयलेट में बना रहे। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, इस हाल से अपन इंटर करेंगे किचन में। ठीक है, किचन का साइज है 8 फीट 9 इंच इंटू 9 फीट। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों। और आप यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने प्रोवाइड नहीं किया है दोस्तों क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है दोस्तों कि किचन में एक प्लेटफॉर्म होता ही है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक प्लेटफॉर्म।
ताकि वहाँ पर महिलाएं खाना वगैरह बना सके, और साइड में यहाँ पर साइड में एक वॉश बेसिन भी प्रोवाइड किया जा सके ताकि आसानी से बर्तन वगैरह धोया जा सके। और हाँ दोस्तों, वॉशिंग मशीन और बर्तन वगैरह, जैसे कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं उसको धोने के लिए, आप पीछे में एक वॉशिंग पॉइंट भी बनाया गया है जिसका साइज है 8 फीट 9 इंच × 4 फीट 6 इंच। ठीक है, काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों ये। और इस किचन में एक विंडो प्रोवाइड किया गया ताकि यहाँ पर भी प्रकाश और एयर का सर्कुलेशन बना रहे, और साथ ही साथ जो खाना बनाने से जो गैस जनरेट होता है वो यहाँ से आसानी से रिमूव हो सके। ठीक है, और पीछे जाने के लिए यहाँ पर एक दरवाज़ा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों वॉशिंग पॉइंट में जाने के लिए। वॉशिंग पॉइंट को छोड़ने का एक और रीज़न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विंडो प्रोवाइड किया गया है और किचन में भी एक विंडो प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें क्या है, एयर और प्रकाश का सर्कुलेशन बना रहेगा, इसलिए यहाँ पर वॉशिंग पॉइंट भी छोड़ने का एक और ये इम्पोर्टेंट रीजन था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस हाल से अपन इंटर करेंगे इस बेडरूम में। इस बेडरूम का साइज है 9 फीट 10 इंच × 14 फीट 3 इंच। काफ़ी स्टैंडर्ड साइज का ये बेडरूम है दोस्तों, और इस बेडरूम में यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ताकि इस बेडरूम में प्रकाश और एयर का सर्कुलेशन बना रहे। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है, इसका साइज है 5 फीट 5 इंच × 7 फीट। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा साइज है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी अच्छा इस बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, और इसका वेंटिलेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। मैं दिया नहीं हूँ, लेकिन आप यहाँ पर आसानी से एक वेंटिलेशन दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन सेकेंड बेडरूम में इंटर करेंगे हाल से। इसका साइज है 9 फीट 2 इंच × 14 फीट। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा इस सेकेंड बेडरूम को भी डिजाइन किया गया है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं। और इस बेडरूम में यहाँ पर एक विंडो प्रोवाइड किया गया है ताकि यहाँ पर भी प्रकाश और एयर का सर्कुलेशन बना रहे। दोस्तों, और यहाँ पर आप चाहे तो इस विंडो है उसमें आप गर्मी समय कूलर भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस प्लान को फुल डिजाइन किया गया है, देख सकते हैं दोस्तों ये इस प्रकार से है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्लान को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। ठीक है, देखिए ये इसका फुल प्लान है, 20 फीट × 60 फीट में 1200 स्क्वायर फीट में इस प्लान को डिजाइन किया गया है, और 2 BHK के हिसाब से इस प्लान को डिजाइन किया गया है दोस्तों, और इसमें साथ ही साथ एक ड्राइंग रूम भी दिया गया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर एक हॉल है दोस्तों। ठीक है, हॉल से लगा हुआ एक सिंपल कॉमन टॉयलेट है, और एक एक रूम में अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे इस प्लान को डिजाइन किया गया है। और इस प्लान में दोस्तों आप देख सकते हैं 9 इंच का वाल और 4 इंच का वाल इस प्लान में यूज किया गया है। तो देखिए यह प्लान आप लोगों को कैसा लगा। जैसे आप लोगों का जैसे प्लॉट साइज 20 फीट × 60 फीट का होगा, तो आप लोग इस प्लान से आइडिया ले सकते हैं दोस्तों। आराम से ले सकते हैं, और आप चाहे तो इसे ही आप लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस प्लान को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है क्योंकि किनारे किनारे क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड दूसरे का मकान, राइट साइड भी दूसरे का मकान, पीछे भी दूसरे का मकान। ठीक है, आगे बस आपको एक रोड बस मिलेगा, तो आपको ही आपके ही ज़मीन में आपको वेंटिलेशन सहित प्लान को डिजाइन करना होगा दोस्तों, तो उसी के हिसाब से इस प्लान को डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस बेडरूम में आसानी से प्रकाश एयर का सर्कुलेशन, किचन में भी आसानी से, और ये दोनों अटैच टॉयलेट और कॉमन टॉयलेट में आसानी से प्रकाश और एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा, और इस ड्राइंग रूम में भी यहाँ पर, और इस बेडरूम में भी यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही आज के वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक
शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि जब भी मतलब मैं इसी से रिलेटेड, हाउस प्लान से रिलेटेड ही वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ ही साथ बगल में जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें और ऑल में सेलेक्ट करके रखें दोस्तों, ताकि मैं हाउस प्लान से रिलेटेड जब भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।